आंखों में गोल कांच का चश्मा, कमर में धोती लपेटे, खुला नंगा बदन, एक हाथ में गीता और दूसरे में लाठी लिए, दुबली पतली काया, यह हुलिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के कारण महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जिस कार्य व्यवहार की दूसरे से अपेक्षा की वह उसे स्वयं करते थे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को गांधीवाद व उनके राजनीतिक काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उनका भारतीय जनमानस पर कितना गहरा प्रभाव था, इसकी झलक कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता में मिलती है। द्विवेदी जी ने लिखा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास कर्मचंद गांधी था। इनके पिता का नाम कर्मचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। बालक मोहन पर परिवार की धार्मिक आस्था व सादगी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे थे। इन नाटकों का संदेश उनके संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होता है। सत्यनिष्ठा, अहिंसा, त्याग व मानव सेवा की झलक उनके जीवन के अनेक प्रसंगों में मिलती है। गांधी जी अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कि एक बार उसी समय विद्यालय में निरीक्षण के लिए एक विद्यालय निरीक्षक आए हुए थे। उनके शिक्षक ने सभी छात्रों को हिदायत दे रखी थी कि निरीक्षक पर आप सभी का अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। निरीक्षक ने छात्रों को 5 शब्द बताकर उनकी वर्तनी लिखने को कहा। बच्चे वर्तनी लिख ही रहे थे कि शिक्षक ने देखा कि गांधी जी ने 1 शब्द की वर्तनी गलत लिखे हैं। उन्होंने गांधी को संकेत कर बगल वाले छात्र से नकल कर वर्तनी ठीक कर लिखने को कहा, परंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें नकल करना अपराध लगा। बाद में उन्हें शिक्षक की डांट खानी पड़ी। उन्हीं दिनों की एक दूसरी घटना है, गांधी के बड़े भाई कर्ज में फंस गए थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने सोने का कड़ा बेच दिया। मार खाने के डर से उन्होंने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है। झूठ बोलने के कारण उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। गांधी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कागज में लिखकर पिता को दे दिया। उन्होंने सोचा कि जब पिताजी को मेरे अपराध की जानकारी होगी तो वह उन्हें पीटेंगे, लेकिन पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बैठ गए और उनके आंसू आ गए। गांधी को इससे चोट लगी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार हिंसा से ज्यादा असरदार दंड दे सकता है। इसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा व्रत के पालन का संकल्प लिया। बिलाज से वकालत करने के बाद एक बार उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां पर रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें पहले दर्जे के कंपार्टमेंट से धक्का मारकर निकाल दिया गया। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का बोलबाला था। गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बुरा बर्ताव करते थे। गांधी जी ने निर्णय लिया कि मैं रंगभेद नीति के विरुद्ध लड़ूंगा। उनका कहना था कि वे हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। इन अपमानों के आगे झुकना घोर पतन है। उन्होंने भारत में फैली छुआछूत की कुरीतियों का भी जमकर विरोध किया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों तथा कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। गांधी जी का कहना था, यदि कोई निश्चित रूप से यह प्रमाणित कर देता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है तो मैं यह धर्म छोड़ दूंगा। महात्मा गांधी ने साबरमती में आश्रम के लिए नियम बनाए जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा का भाव, ब्रह्मचर्य व्रत, भोजन संयम, चोरी न करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सभी आश्रमवासियों को समान रूप से मानने पड़ते थे। चरखे की शुरुआत भी गांधी जी ने यहीं से की थी। गांधी जी के आचार विचार से अनेक अंग्रेज अधिकारी भी प्रभावित थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा? इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन है।
जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी नामक पुस्तक में गांधी जी के लिए लिखा है, इस पतले दुबले आदमी में इस बात सी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी दृढ़ता है जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो दोस्तों, 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को गांधी जी दिल्ली के बिड़ला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे कि उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि स्थित है। उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने बड़ी संख्या में आज भी लोग जाते हैं। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार हमें चिरकाल तक नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।